हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले इसके पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ जितना होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आई मीन जो जिस पाथ के अलॉन्ग कोई पार्टिकल मूव करता है तो जितने लेंथ को पाथ का जो लेंथ होगा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने ये बताया था कि उसके दो डेफिनेशन बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट जब भी कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है ना, तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने वक्त क्या देखना है या डिस्टेंस निकालने वक्त क्या देखना है कि पार्टिकल किस टाइम इंटरवल में पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टाइम इंटरवल, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे पहले देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट के बीच क्या है, पाथ लेंथ क्या है, वो डिस्टेंस हो जाएगा। और द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और उसका जो लेंथ होगा उस लाइन का, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो यदि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच कुछ आप यदि ज्वाइन कर सको और कुछ लेंथ होगा तो मैग्नीट्यूड होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, ये ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड में मैंने ये नोट में लिखा था कि डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, आइदर इक्वल हो सकता है और क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, कभी लेस नहीं हो सकता है। क्या, लेस नहीं। अगला जो हम पॉइंट लिखेंगे कि बिटवीन गिवन टाइम इंटरवल और बिटवीन क्या होगा, क्या होगा, बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट विल हैव ओनली, डिस्प्लेसमेंट विल हैव क्या होगा, यूनिक वैल्यू, एक ही वैल्यू हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये अगला पॉइंट, जैसे देखो यहाँ ध्यान से कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तुमको मालूम चलेगा। पहले एग्जाम्पल, यही कोई पाथ है ऐसे, है ना। अब देखो ये दिया हुआ है, पाथ नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे ये क्या है, इनिशियल पॉइंट हुआ, इनिशियल पॉइंट, और क्या है, और स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां क्या है, फाइनल पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट भी बोलेंगे। तो अब यहां से जाने के लिए देखो, ऐसे भी पाथ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। एक ऐसे ही पाथ होगा, ऐसे 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 भी जा सकता है ना, ये इनिशियल पॉइंट। और अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस होगा क्या होगा, यूनिक नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, बिटवीन गिवन, यदि मैं पाथ ये नहीं बोलूं कि नहीं आपको इसी रास्ते से जाना है, यदि आप रास्ते से जाओगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही, लेकिन हम यदि कंपल्सर नहीं करूँ, आपको मजबूर नहीं करूँ कि नहीं आपको इसी पाथ से आपको जाना है, तो आप देखो, जैसे मान लो कि आपको खेड़ से रोटरी स्कूल, खेड़ से रोटरी स्कूल आना है यार, तो किसी भी तरह से आ सकते हो, वो आप पे, यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज व्हाट एवर पाथ यू वांट टू चूज, है ना। आप जो पाथ सेलेक्ट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप फ्री हो। तो आपको खेड़ से रोटरी स्कूल आना है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक ही वैल्यू होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द वेक्टर
या द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, हमेशा याद रखना है इनिशियल टू फाइनल, नॉट फाइनल टू इनिशियल। तो एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन क्या होगा पाथ जो होगा वो क्या होगा अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ कि इस इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट, इसी को आप क्या मान लो रोटरी स्कूल मान लो आरएस, आई मीन रोटरी स्कूल, और इसको क्या मान लो खेड़ मान लो, ठीक है रोटरी स्कूल। तो रोटरी स्कूल से खेड़ जाना है तो आपके कई पाथ्स मिल सकते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ एक ही मिल सकता है यार। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या होगा कि बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स क्या होगा डिस्प्लेसमेंट विल हैव ऑलवेज यूनिक वैल्यू, क्या होगा ऑलवेज यूनिक वैल्यू होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का यूनिक वैल्यू नहीं, सॉरी डिस्टेंस का यूनिक वैल्यू नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिक वैल्यू होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट का यूनिक वैल्यू नहीं होगा। तो देख रहे हो ना यहाँ कि डिस्टेंस ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि किस पाथ के अलॉन्ग आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बिटवीन क्या बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट विल हैव, ये मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट विल हैव ऑलवेज यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू आई मीन एक ही वैल्यू होगा। बट दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट विल हैव ऑलवेज यूनिक वैल्यू व्हाइल डिस्टेंस डिस्टेंस हैव मोर देन, क्या होगा मोर देन वन वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पाथ, ठीक है डिपेंडिंग क्या होगा डिपेंडिंग ऑन द बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पाथ, क्या होगा मोर देन वन वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पाथ। जैसा कि आपको इस इलस्ट्रेशन से मालूम चल रहा है, समझ में आया ना कि इस पाथ से जाएगा, ये पाथ क्या है पाथ वन है, ये मान लो दिस इज पाथ क्या हुआ पाथ टू हुआ, दिस इज पाथ क्या हुआ थ्री हुआ, है ना दिस इज पाथ क्या हुआ फोर हो गया सॉरी थ्री, और दिस इज पाथ क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि आई मीन क्या होगा बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स क्या होगा देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स एंड द इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ ये लिख लेना है ना क्या होगा दैट इज, ये समझ में आया ना बिटवीन क्या होगा बिटवीन दैट इज, यहाँ लिख देता हूँ दैट इज बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट विल हैव ऑलवेज यूनिक वैल्यू बट क्या होगा डिस्टेंस हैव मोर देन वन वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पाथ, ठीक है दैट इज क्या होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस will have infinite number of क्या होगा values। अरे ये कितने पाथ हो सकते हैं यार, तुम जितना पाथ कंसिडर कर सकते हो, तो ये ध्यान देना है कि ठीक है क्या होगा नितिन तो थोड़ा सा ही डाल दो, ठीक है तो ये क्या है आपको ध्यान देना है ये बहुत ही। दूसरा जो है क्या है डिस्प्लेसमेंट लिखने वक्त क्या करना है ऑलवेज देखो ध्यान से, अगला एग्जाम्पल देख लो है ना, ये ध्यान देना ऐसे देखो ये क्या है पाथ है यार, है ना यहाँ मैंने क्या लिखा ये पाथ है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं पाथ, ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये क्या हुआ तुम्हारा फाइनल पॉइंट, आई मीन दिस इज फाइनल फाइनल पॉइंट है ना, ये इनिशियल पॉइंट
क्या करना है? ऑलवेज जब भी डिस्टेंस देखो तो क्या ज्वाइन करना है? इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ऑलवेज क्या करना है? इनिशियल टू फाइनल, नॉट फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल। पार्टिकल ऐसे मूव किया, ऐसे है ना, या सिंपल याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, यहां मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, एंड फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यार इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो और फिर है ना देख लो कि कुछ लेंथ है क्या, लेंथ होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या होगा? अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नहीं होगा। ये चीज आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लें फिर, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स का फिजिक्स अधूरा है। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो यार, है ना, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो अब यहाँ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल, बताना है आपको कि अगला एग्जाम्पल देखो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ग्राफ इज पॉसिबल as shown in the figure below। ठीक है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है ये आपको बताना है। ई जो और आर दोनों हो सकता है यार, है ना, तो यहाँ आप ग्राफ ईच और आर दोनों लिखना, आर पॉसिबल एज सोन इन द फिगर। देखो यहाँ इधर क्या है, टाइम, और इधर क्या है, डिस्टेंस। ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर क्या है, दूसरा ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, अगेन डिस्टेंस और यहाँ क्या है, टाइम। ये ऐसे दिया हुआ है ना, ठीक है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये फिगर क्या हुआ, ये भी पूछा जाएगा, है ना। तीसरा फिगर देखो इधर, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आर पॉसिबल एज सोन इन द फिगर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ क्या है देखो, यहाँ सॉरी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ग्राफ पढ़ाने वक्त मैंने बताया था, है ना, यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। बहुत देखो ऐसे ऐसे दिया, ये क्वेश्चन तुमको कहीं ना कहीं गलती से जब बुक देखोगे तो मिल जाएगा, गलती से सही से। ये बात समझ में आई है ना। अब यहाँ से और भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होती है। आपको मालूम है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, रटे हुए हैं हम, मैं भी रटा हूँ, तुम लोग भी रट जाओ। तो ये क्या है,
कि लेकिन जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़े या केमिस्ट्री, कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट पे, एक कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट मिनिमम 20 न्यूमेरिकल्स करें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे सोचो कि अरे सर ने पढ़ाया मुझे तो सब आता है, नहीं ऐसा नहीं, आपने एग्जाम दिया होगा, आपको मालूम होगा कि जब एग्जाम में हम जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, अरे यहाँ ये फार्मूला होगा, यहाँ ये फार्मूला होगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर कब करेंगे हम, जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है वो क्या है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना, एंड ट्राई टू मिनिमाइज द एरर वाइल कैलकुलेशन। जब आप कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो उस समय आपको क्या करना है, एरर मिनिमाइज करना है, तो आप प्रैक्टिस करो। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो प्रैक्टिस करो, अदरवाइज थ्योरी आप सोचोगे पढ़ कर के अरे मैं जा करके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 10 न्यूमेरिकल 20 न्यूमेरिकल्स डेली करो, है ना। जैसे मान लो कि हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो आप जैसे ही मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शुरू किया आप भी मेरे साथ चलो। ये नहीं है कि मैं आज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ, आप 5 डेज के बाद देखोगे और फिर सम करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, है ना, और शायद 10 डेज के बाद देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये ज़रूरी है कि साथ साथ लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये हमेशा आपका कॉन्सेप्ट जो होगा न्यूमेरिकल से क्लियर होता है। जैसे यहाँ देखोगे आपको मालूम है, लेकिन यहाँ सब डेफिनेशन फेल हो जाएगा यदि आप थोड़ा दिमाग नहीं यूज करोगे तो। तो यहां देखो डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, देखो यहां, तो ये फिगर ए बी, दिस इज फिगर क्या होगा, फिगर सी, एंड यहां देखोगे, अब मैं यहां लिख रहा हूं एक ये ग्राफ है, दूसरा ग्राफ ये भी हो सकता है, देखो ध्यान से, ऐसे है ना, इधर क्या है डिस्टेंस और इधर क्या है टाइम। तो आपको ये देख करके बताना है, देखो 4 ग्राफ हो गए, है ना, सब में क्या है डिस्टेंस वर्सन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपको बताना है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है इस ग्राफ को देखने वक्त, बस एक हिंट्स देता हूं कि डिस्टेंस कभी टाइम के साथ निगेटिव नहीं होगा, सॉरी डिस्टेंस टाइम के साथ क्या होता है डिक्रीज नहीं करता है, ऑलवेज टाइम के साथ क्या होना है? अब देखो क्या है, इस पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे ही डिस्टेंस को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आई मीन एक ही टाइम पे ऐसे ही बोल सकते हैं, एक टाइम पे 2 डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एट द सेम टाइम 2 डिस्टेंस क्या है पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है क्या, ये भी देखेंगे, है ना, कि सेम टाइम पे 2 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पॉसिबल होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट के 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है इसमें, तो पहले क्या लिखना है हिंट्स में क्या लिखना है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। सॉल्यूशन में क्या है तो ये आप लिख लेना, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नोट में क्या लिखोगे, नोट में कि डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विथ क्या होगा, विथ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एज टाइम, टी स्टैंड फॉर एज टी, देखो एरो अप का मतलब क्या हुआ इंक्रीजेस, एज टी इंक्रीजेस क्या होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑल्सो क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए। अब ये मत बोलना कि टी डिक्रीजेस डिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना, ऐसे नहीं है कि टाइम निगेटिव हो जाएगा यार, है ना, तो टाइम डिक्रीज कराओगे तो ऐसे नहीं है कि डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा क्या होता है इंक्रीज होता है, बस यही कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे है, तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ हर टाइम पे क्या है डिफरेंट टाइम पे क्या है, ये देखो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस का वैल्यू, तो ये पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट ग्राफ में टाइम के साथ क्या है डिस्टेंस जो है वो क्या है
इंक्रीज हो रहा है। क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन है ना, क्या होगा कि इन फिगर ए डिस्टेंस इंक्रीजेस एज टाइम इज, लेकिन बंद कर दो थोड़ा, टाइम इंक्रीजेस, ठीक है। हैंस दिस ग्राफ इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। समझ में आया क्या? अब हम सेकंड में भी देखो, अगेन यहाँ देखो, सेकंड में भी क्या है, टाइम के साथ, अलवेज एक ही पॉइंट याद रखना है कि टाइम के साथ डिस्टेंस कभी कम नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना। ऐसे नहीं है कि पहले देखो यहाँ क्या है, जीरो है, अब कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस कुछ हो जाएगा वैल्यू यार, कुछ ऐसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ डिस्टेंस देखो, यहाँ देखोगे मान लो कि ये टाइम लिख दें यार 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पे आप 10 मीटर रख लो। यहाँ देखोगे ये 15 सेकंड है, तो यहाँ 15 सेकंड के बाद मान लो कि ये 15 मीटर हुआ या 20 कुछ भी होगा। तो देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या है, बढ़ रहा है, तो सेकंड ग्राफ भी पॉसिबल है। तो क्या होगा इन फिगर, क्या होगा बी एस, क्या होगा एस टाइम इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हुआ इंक्रीजेस, अप एरो का मतलब क्या हुआ इंक्रीजेस, और डाउन एरो का मतलब क्या होगा डिक्रीजेस। डिस्टेंस ऑल्सो क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेस। हेंस क्या है, ये ग्राफ जो है वो क्या है, पॉसिबल है। हेंस इट इज पॉसिबल, तो ये भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब हम थर्ड ग्राफ पे आते हैं। थर्ड ग्राफ पे आओगे, ठीक है, थर्ड पे भी देखो अब ऐसे नहीं है, देखो यहाँ ध्यान से, पहले देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं टाइम बढ़ा रहे हैं, ये ऐसे पाथ है यार ऐसे, है ना, ये ध्यान देना। तो जैसे जैसे क्या है टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और देखो इधर कहीं मैक्सिमम हुआ होगा, है ना, यहाँ मैक्सिमम हुआ, उसके बाद टाइम बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो टाइम बढ़ा रहे हो तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट जो है क्या उस पर कम, देखो तो ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद क्या है टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो डिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ रही नहीं रहे है ना, फर्स्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और उसके बाद देखो यहाँ से टाइम हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से बढ़ाए तो टाइम क्या हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और फिर सॉरी टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस केस में ये जो सेकंड ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, सेकंड ग्राफ में क्या है डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ कुछ टाइम तक क्या है बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ये क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या है इनिशियली क्या है डिस्टेंस मैक्सिमम है, उसके बाद यहाँ भी क्या है टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी ग्राफ क्या है पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान देना है कि दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, डिस्टेंस के साथ टाइम को, सॉरी टाइम के साथ डिस्टेंस को क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए, यदि घट रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखोगे कि एक ही टाइम पे क्या है दो डिस्टेंस है, तो एक टाइम पे आप दो जगह नहीं हो सकते, आपको मालूम है ना, एक टाइम पे दो जगह हो सकते हो क्या यार, पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे आप खेड़ में भी हो और रोटरी स्कूल में भी हो, कि पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, क्या है नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन एक टाइम पे क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है किसी रेफरेंस पॉइंट से, जैसे मान लो कि आप ये देखो
एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, ये थोड़ा सोच करके बताना मुझे तुम लोग। ठीक है, तो वो भी देखना है कि एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है क्या। यहां देखो अगला जो क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द, क्या होगा, इन द फिगर गिवन बिलो। Which graph is or r is possible, है ना, which which is or r possible, displacement versus time graph of a particle is shown in the figure given below, which graph, यहां लिख लो which graph इज और आर पॉसिबल, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो अगेन, यहाँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये फिगर यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ टाइम, ये फिगर ए फिगर बी है ना, यहाँ एक और ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्ले, ये टाइम एक्सिस से ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, ऐसे समझना, ठीक है। यहां, हाँ सॉरी, ये दिया, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसमें ग्राफ हो सकता है, जो अभी दिया था कि ये देखो फिगर ए फिगर बी फिगर सी, और ए फिगर क्या हो गया, डी, यहाँ भी आप ऐसे, ये बताना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल होगा, ठीक है, सोचना है, ये फिगर क्या हो गया, फिगर डी। यहाँ आपको देखना है, हिंट्स में मैं दे देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये पहला पॉइंट याद रखना है नोट में, है ना, इसको हिंट्स में, हिंट्स कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में बी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड क्या होगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। सेकंड पॉइंट लिखना है डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज
एक पॉइंट ये और भी यहाँ देख सकते हो, है ना, इसको दूसरे तरह से आप सोच सकते हो कि टाइम कभी क्या होगा, डिक्रीज नहीं होता है, ऑलवेज इंक्रीज होता है। एक और पॉइंट भी लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा, में इंक्रीजेस और क्या होगा, डिक्रीजेस विथ क्या होगा, विथ टाइम, ठीक है। थर्ड जो है टाइम क्या होगा, नेवर, सॉरी टाइम नेवर क्या होगा, डिक्रीजेस, कभी भी टाइम जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा। इससे भी आप फिगर आउट कर सकते हो। थर्ड फोर्थ तरह से ऐसे सोचते हैं, एट द सेम टाइम पार्टिकल विल नेवर बी प्रेजेंट एट टू डिफरेंट पोजिशन। अरे एक ही पार्टिकल जो होगा सेम टाइम पे मोर देन वन प्लेस पे नहीं हो सकता है, क्या है, मोर देन वन प्लेस पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, तो इसको आप क्या करना, घर पे होमवर्क है, इसको आप होमवर्क लिख लेना है ना, और ट्राई करना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इतना हिंट्स दे दिया, सब बताना है कि कौन सा, मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबल नहीं होगा वो, तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा ये आप देखना है ना। इसके बाद एक और होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, ये पार्टिकल स्टार्ट्स, है ना, स्टार्ट मूविंग ऑन, स्टार्ट्स मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है, जिसे देखो यही क्या है, फिगर है, ए पॉइंट हुआ, ए बी पॉइंट हुआ, सी और क्या हुआ, डी, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया और कैसे चल रहा है, ऐसे यही क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आई मीन टी इक्वल टू जीरो स्टार्ट। इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, क्या है रेडियस इसका, क्या है, कोई डाउट नहीं है आपको। तो आपको फाइंड क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए में लिखना है, ए में लिखना है व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट बी सी डी, और बी में लिखना है व्हेन, यहाँ लिख लेना व्हेन पार्टिकल रिटर्न एट पॉइंट ए अगेन, ठीक है। यहाँ हमेशा क्या है, डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट लिखना। तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, होमवर्क है, आप इसको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है।
और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में और इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ और पॉइंट इसमें मैं बताऊंगा और उसके बाद आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।